हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज हमने टॉपिक लिया है समस्थानिक और संभारिक, यानी कि आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो इसके क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। दोस्तों, इसमें हमने इस टॉपिक के हर तरह के क्वेश्चन लिए हैं, आपको और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि। पहले दोस्तों आपको ये क्वेश्चन 3 सेकंड तक सोचना है खुद, फिर उसके बाद इसका आंसर देखना है, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा, उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी परमाणु संख्या भिन्न हो। तो ये हमारी समस्थानिक की परिभाषा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किन की भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या के कारण इसकी समस्थानिक में भिन्नता आती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वो नाभिक है जिसमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, किसमें? आइसोटोप यानी समस्थानिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? दोस्तों, समस्थानिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के कारण उनके गुण भिन्न होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है? दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं अगले क्वेश्चन में देखते हैं। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, अगर आपको तीनों पता है तो आंसर इसका ईजिली दे सकते हैं। दोस्तों, प्रोटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ट्रिटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ट्रेंथियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो इसमें पूछा क्या गया है, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ट्रेंथियम, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? तो इसमें से हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक पूछा गया है, तो कौन सा होता है ये? ट्राइटियम, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन का ट्राइटियम समस्थानिक रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ऑक्सीजन के 3 अलग अलग तरह के परमाणु भर वाले तत्व दिए गए हैं, तो ये आपस में क्या हैं? दोस्तों, इनके तीनों के ही परमाणु क्रमांक बराबर हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे समस्थानिक कहलाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्लोरीन के तत्व दिए गए हैं भिन्न भिन्न परमाणु भार वाले, तो दोस्तों ये भी क्या होगा? समस्थानिक होंगे आपस में, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इनके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम के। कितने पाए जाते हैं अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या है? सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम के होते हैं, और कितने होते हैं? 27, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस रेडियो एक्टिव का यूज किया जाता है? यूरेनियम का, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, मैंने रेडियो एक्टिव का जब टॉपिक पढ़ाया था, आप उसे देख सकते हैं, उससे इन क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सोडियम 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों, कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला समस्थानिक कौन सा है? कोबाल्ट 60, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची वन को सूची टू से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, आप इसे खुद ट्राई करके देखें, तो देखते हैं इसका सही आंसर। दोस्तों, आर्सेनिक 74 का यूज ट्यूमर में यूज होता है और कोबाल्ट 60 का कैंसर के लिए, आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए और सोडियम 24 का रक्त व्यतिक्रम में। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं? तो दोस्तों, ऐसे क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उन्हें हम आइसोटोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोटोन होते हैं, दोस्तों अभी आपको मैंने बताया है, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो वो हमारे आइसोटोन कहलाते हैं, यानी समान संख्या वाले न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, तो ये सम न्यूट्रॉनिक में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ई क्रिप्टॉन के दो तत्व दिए गए हैं, क्या कहलाएंगे आपस में? तो इनके परमाणु क्रमांक देखते हैं, इनके परमाणु क्रमांक भी भिन्न हैं और इनके परमाणु भार भी भिन्न हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों इनके न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अगर हम 86 में से 36 को घटाएंगे पहले वाले तत्व में से, तो कितना आएगा हमारा? 50 आएगा। और अगर हम 87 में से 37 को हटाएंगे तो ये भी 50 आएगा। ये हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या है, यानी कि दोनों तत्वों के समान न्यूट्रॉन हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सम न्यूट्रॉनिक। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह है। दोस्तों, इसे आप खुद करके देख लेना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों में ही न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिथियम तथा बेरियम हैं, तो इनमें भी हम देख लेते हैं, इनके परमाणु क्रमांक दोनों के अलग अलग दिए गए हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न हैं दोनों के। और न्यूट्रॉनों की संख्या बात करें तो लिथियम में भी 4 हैं न्यूट्रॉन और बेरियम में भी 4 हैं। तो क्या हुए ये दोस्तों? न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? आइसोटोन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस तथा सिलिकॉन हैं, तो इनमें भी दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या समान दी गई है, 16 16, तो ये भी क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है हम उन्हें क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? दोस्तों, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। इसमें से अगर 3 को हम हटा देंगे तो कितना आएगा? 10। तो 10 देख लेते हैं, 10 का परमाणु क्रमांक किसका है? क्लोरीन का 17, एल्युमिनियम का 13, सल्फर में 2,
सल्फर का 16 होता है, दो जोड़ देंगे 18 हो जाएगा, लेकिन फ्लोरीन का 9 होता है, इसमें एक जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? तो दोस्तों इसमें कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक निरूपित करेगा? ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम में का दोस्तों परमाणु क्रमांक 20 होता है, दो प्लस है यानी घटा देंगे दो, कितना आएगा 18, सल्फर का 16 होता है, दो जोड़ देंगे ये भी 18 आ जाएगा, यानी दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम हैं दोस्तों, इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हैं लेकिन परमाणु भार समान है, जिनके परमाणु भार समान होते हैं उन्हें हम संभारिक या आइसोबार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ये एक दूसरे के संभारिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? दोस्तों संभारिक किसके उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं? बीटा किरण के। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? पहले बात करते हैं समस्थानिक की, समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु संहिता वाले परमाणु, तो सही है ये। संभारक की बात करते हैं, न्यूट्रॉनों की समान संख्या किंतु भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु, ये गलत है। सम न्यूट्रॉनिक समान द्रव्यमान वाले परमाणु, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर केवल इसमें एक सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः क्या है? दोस्तों अगर आपको ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पता है तो इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो इसे हम कैसे निरूपित करते हैं? 1H3। तो ये एक क्या है, ये हमारा परमाणु क्रमांक है यानी प्रोटॉनों की संख्या, और तीन क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। तो इसमें से हम जब प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? एक, और न्यूट्रॉन दो। तो ऑप्शन नंबर इसमें ऐसा कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर हमारा बीस में मैच कर रहा है, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। दोस्तों ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आए होंगे और आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। आपने अगर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम इसी तरह जीके की क्वेश्चन कराते हैं और इम्पोर्टेंट ट्रिक भी इस चैनल पर डालते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।